है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताए हुए थे, है ना, और कई एग्जांपल्स भी समझाए हुए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो कुछ एग्जांपल और बताना बाकी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है? दो एग्जांपल बताना है, समझो क्या है। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, स्टार्स ट्विंकलिंग अपीयर होता है, पहला एक फेनोमेना। दूसरा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम लोग जो सनराइज है 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं, और सनसेट हो चुका होता है लेकिन 2 मिनट के बाद तक सन दिखता रहता है, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज का मतलब क्या कि भाई पहले ही हम लोग देख लिए, एक्चुअल सनराइज के पहले ही दिख जा रहा है, और डिलेड सनसेट मतलब कि सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी सन जो है वो दिखता रह रहा है, ठीक है? तो अभी हम बता रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देखो अच्छा ये बताओगे, अर्थ के चारों ओर एयर का जो स्फीयर, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, पूरा ये एयर है। जब हम सबसे टॉप लेयर का यदि बात करें, तो उस लेयर से जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे, एयर का डेंसिटी सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, वेरी गुड। क्योंकि कोई भी एयर का भी यदि बात, कोई भी फ्लूइड का यदि बात किया जाए, एयर या लिक्विड, जो भारी चीज होता है वो नीचे रहता है, तो भारी जो एयर है वो नीचे रहेगा, उससे लाइट, हल्का एयर ऊपर, उससे हल्का एयर ऊपर। इसीलिए होता है कि गर्म हवा जब गर्म हो जाता है तो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आने से जब हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ऊपर की ओर राइज करता है। इसका सीधा मतलब है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, इसका मतलब एयर का डेंसिटी कम हो, सॉरी, एयर का डेंसिटी बढ़ रहा है। मतलब लाइट भी, यदि सनलाइट हो या स्टार से आने वाला लाइट हो, वो लाइट यदि इंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, और ज्यादा डेंसर पे जा रहा है, और ज्यादा डेंसर पे जा रहा है। मतलब हम लोग मान सकते हैं कि एटमोस्फियर कई लेयर से मिलके बना हुआ है, और ऊपर से नीचे की ओर यदि आए तो डेंसिटी बढ़ रहा है। और यदि हम लोग बात करें कि कोई एक स्टार से लाइट रे यदि आ रहा है, एक लाइट रे के बारे में कंसिडर करते हैं, एक लाइट रे यदि आ रहा है इस तरह से, तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा, ये बैंड किया, ये बैंड किया, बैंड किया, तो इस तरह से बैंड करता हुआ यदि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, उसको लगेगा कि लाइट रे कहां से आया हुआ है, लगेगा कि लाइट रे कहां से आया है। स्टार का रियल पोजीशन ये है, लेकिन दिखता है यहां पे अपरेंट पोजीशन। देखोगे मतलब स्टार से जो आने वाला लाइट रे है, वो एटमॉस्फेयर से जब गुजरता है तो कई बार उसका रिफ्रैक्शन होता है, जिस कारण से वो स्टार अपने रियल पोजीशन पे ना दिख के अपरेंट पोजीशन पे दिखता है। इसके साथ साथ देखोगे स्टार हम लोग से इतना 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 दूर है, बहुत दूर होने के कारण वो पॉइंट मास की तरह दिखता है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। तो एक तो रियल पोजीशन पे ना दिख के अपरेंट पोजीशन पे दिखता है, और क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक जैसा एयर का कंडीशन नहीं रहता है, मान लो कि मूवमेंट हो रहा है, हवा चल रहा है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहा है, इस कारण से भी क्या है, रिफ्रैक्शन एक जैसा नहीं होता है। मतलब लाइट का जो बेंडिंग है हमेशा एक जैसा नहीं होता है,
जिस कारण से क्या है अपरेंट पोजीशन का स्टार का जो अपरेंट पोजीशन है वो भी वैरी करता है। मतलब यदि एक बार लग रहा है कि यहां से लाइट रे आ रहा है तो बहुत ही कम समय में, मान लो कि 0.1 सेकंड के बाद लगता है कि लाइट यहां से नहीं आ रहा है, यहां से आ रहा है। फिर 0.1 सेकंड के जस्ट बाद लगता है कि लाइट यहां से नहीं आ रहा है, यहां से आ रहा है। मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन जब नहीं हो रहा है लाइट का तो अपरेंट पोजीशन भी क्या होता है चेंज करता है स्टार का। और जिस कारण से अब मान लो कि यहां से लाइट रे आ रहा था, अब यहां से नहीं आ रहा, मतलब ये क्या होगा, बुझ जाएगा यहां से। अब लाइट कहां से आएगा इस जगह से, फिर यहां से लाइट एक्सटिंग्विश होगा, बुझेगा, और फिर लाइट अप होगा कहां से, यहां से। मतलब जब लाइट एक जगह से आ रहा है वहां से बुझ गया और बगल से आ रहा है, तो ये जो फ्लिकरिंग अप एंड ऑफ का इफेक्ट है, मतलब एक जगह जल रहा है बुझ रहा है, फ्लिकरिंग अप और ऑफ का जो इफेक्ट है, इसी के कारण स्टार क्या होता है, ट्विंकलिंग अपीयर होता है। ठीक है, यही है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। फर्स्ट वन, स्टार अपीयर इन इट्स अपरेंट पोजीशन इंस्टेड ऑफ रियल पोजीशन, हाउएवर इट्स अपरेंट पोजीशन इज ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू विच इट क्रिएट्स अ इफेक्ट ऑफ फ्लिकरिंग अप एंड ऑफ विच इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जिसको हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के नाम से जानते हैं। समझ गए ये, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। किन्हीं को दिक्कत है? नो सर। नो सर। अच्छा, इसको हम लिखा दें कि लिख लोगे, क्योंकि बुक में इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, आप लोग दे देता है जब उसके बारे में है तो उसका एक्सप्लेनेशन दे देगा। लिखवा दें क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, लिखवा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही फिगर आप बनाना, छोटा सा फिगर बनाना एक्सप्लेनेशन के बाद, तो ये फिगर बना स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे,
स्क्रीनशॉट ले लोगे? ले लिए? यस सर। देखो और एक टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। क्या है ये देखिए, सपोज ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर जो है ये है। ध्यान देना सनराइज का मतलब क्या है, यदि हम यहां से देख रहे हैं बहुत 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 दूर जहां पे इसका है अर्थ को टच करता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन, ठीक है उसको हॉरिजॉन बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन हुआ ये लेवल बोल सकते हैं, ये हॉरिजॉन हुआ है ना, ये लेवल हुआ हॉरिजॉन। जब हॉरिजॉन पे सन आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं सनराइज हो चुका है ना। सन का पोजिशन हॉरिजॉन पे आ जाएगा या हॉरिजॉन से ऊपर आ जाएगा तो बोलेंगे सनराइज हो चुका है। लेकिन देखो ऐसा है कि सन हॉरिजॉन पे आएगा उससे पहले जब बिलो द हॉरिजॉन है, गौर करना सन तो हमेशा फिक्स्ड होता है, अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर और रोटेट भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन ऐसा दे रहे हैं कि सन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है सन रिवॉल्व कर रहा है ऐसा कुछ दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि सन स्टेशनरी है, अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर, ठीक है। तो सन जब हॉरिजॉन से नीचे होता है यहाँ पे, तो यहां से जो लाइट रे आ रहा है, यहां से लाइट रे इस तरह से मान लो कि आया जहां चाहिए था ऐसे, लेकिन एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, कई बार बैंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और कई बार बैंड होने के कारण क्या है कि ये पहुंच जाता है पहले, कई बार बैंड होने के कारण ये हम तक ऑब्जर्वर तक हॉरिजन पे आया नहीं है, लेकिन हॉरिजन से जब नीचे होता है जाना चाहिए था ऐसे लाइट में, लेकिन बैंडिंग के कारण वो हम लोग तक पहुंच जाता है, मतलब एक्चुअल जो सनराइज है उससे पहले सन दिख जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज। और कितना देर पहले दिखता है, तो एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले, सन का लोकेशन हॉरिजन पे आएगा उससे 2 मिनट पहले ही सन हम लोग को दिख जाता है, इसको बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज। और डिलेड सनसेट करने का मतलब क्या है, सन मान लो कि यहाँ पे है वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे है अब यदि हॉरिजॉन से नीचे जाएगा, अब हॉरिजॉन से नीचे जाएगा मतलब सनसेट हो जाएगा, लेकिन क्या है कि हॉरिजॉन से नीचे गया तब भी हम लोग को दिखता है, कब तक 2 मिनट तक, जितना मान लो कि मूव करके यहां तक आ गए, तो यहां से जो लाइट रे इससे जा रहा है तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये बैंडिंग के कारण क्या है हम लोग तक पहुंचता है, जाना चाहिए था ऐसे। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट के बाद तक सन से आने वाला जो लाइट है, सनलाइट है, हम तक पहुंचता है, इसलिए एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट के बाद तक भी दिखता रहता है सन, इसको बोलते हैं डिले, मतलब हो चुका है लेकिन 2 मिनट तक दिख रहा है, तो डिले सनसेट। समझ गए कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसको भी लिखा देते हैं, डायग्राम ये रह जाएगा, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हैंडराइटिंग पता चल जा रहा है ना? हैंडराइटिंग पता चल रहा है ना? बताओगे? मिटा दें? Yes. देखो नेक्स्ट, देखो लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताए हुए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ, है ना? तो उसको हम लोग चलो प्रूफ करते हैं। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे मान लो कि ऐसे जा रहा है, क्या फिर वाटर है? सपोज बोथ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट का पोजीशन है और यहां से लाइट रे इस तरह से बेंड करेगा, ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट रे बेंड करेगा। सपोज ये जाना चाहिए था ऐसा। तो देखो इसको क्या करते हैं, हम इसको ज्वाइन करते हैं, ध्यान देना। ये पोजीशन को ए बोल देते हैं और इसको यदि हम पीछे की ओर बढ़ाए तो ऑब्जेक्ट होता है यहां पे है, यहां से भी यदि हम एक लाइट रे भेजे तो इस तरह से जाएगा, मतलब अपीयर होगा मीट करता हुआ यहां, मतलब ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगा, आई फॉर इमेज। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है और ये इमेज का पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ कितना है ए ओ, अपेरेंट डेप्थ कितना है ए आई, अपेरेंट डेप्थ है ए आई, ठीक है? तो ये प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, प्रूफ दैट refractive index of denser medium, denser medium with respect to rarer medium is equal to real depth by apparent depth. That is, इस figure के अनुसार देखो आपको क्या proof करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस फिगर के अनुसार हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, आपको ये चाहिए, वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ, एओ बाय एआई। अकॉर्डिंग टू द फिगर आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो देखो ध्यान देना, यहां पे देखो साइन आई और साइन आर का जरूरत पड़ेगा, स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करने वाले हो। तो देखो देख, ये मान लो कि इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा यहां पे ये एंगल भी वही होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल,
एक्सप्लेनेशन उतना नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो भी मार्क्स मिल जाता है सीएससी बोर्ड में, बाकी आप लिखना चाहो आप लिखोगे, सारा मेंशन कर देंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो अल्टरनेट एंगल, ये आई तो ये भी होगा आई, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो ये नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, चलो लिख देते हैं रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ये आर है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये यदि आर होगा तो ये भी आर होगा, कोई दिक्कत? देखो तो करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये यदि आर है तो ये भी आर होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि दिक्कत है तो ये समझ सकते हो एओ और ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे है, इसको जो डॉटेड दिखाई हो, तो आप देख लो ऐसा ही है कि नहीं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोई दिक्कत? ये आर है तो ये भी आर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एनी डाउट? नो सर। बस अब आप एक बार साइन आई एक बार लो और एक बार साइन आर लो, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए ओ आई तो दिए हैं, बी दे देते हैं ए बी, ए बी। तो एक बार हम ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी, साइन आई, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखो तो साइन आई का मतलब क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब ए बी बाय बी ओ, ठीक है, ए बी बाय बी ओ, ठीक है, परपेंडिकुलर इसके अनुसार परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेनस, ठीक। फिर और देखो कि हम लोग को ये जरूरत पड़ेगा, ये अज्यूम करेंगे कि ये एओ लाइन और ये जो नॉर्मल है एक दूसरे के काफी क्लोज है रूप में, ये हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, कहां जरूरत पड़ेगा हम बताएंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, फिर से आप देखो ए आई बी में, साइन आर, फिर आप लिखोगे साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसके अनुसार क्या होगा देखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज ए बी बाय बी आई, ये होगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, बाय स्नेल्स लॉ, जब लाइट रे वाटर से जा रहा है एयर पे तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं साइन आई बाय साइन आर, कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, याद करना क्या बताया था, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है इसमें जा रहा है एयर में जा रहा है, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा एयर का इसके रेस्पेक्ट में वाटर के रेस्पेक्ट, कोई दिक्कत यहाँ पे देख लो, साइन आई बाय साइन आर, इस इंटरफेस के लिए ये आई है और ये आर है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, जिसमें जा रहा है मतलब एयर का देगा वाटर के रेस्पेक्ट, एयर का वाटर के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो दोनों हमारे पास है, हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, देख लो ए बी
by PO divided by AP by PI ये आंसर होगा। फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है देखोगे PI by इसके साथ साथ हम और एक चेंजेस कर रहे हैं, इसको हम बदल देते हैं डिस्टेंस 1 by refractive index of water with respect to air, तो यहां पे भी वही लिखेंगे ये ऐसा क्यों लिखे हैं रीजन दे देंगे refractive index of 1 with respect to 2 equal to 1 by refractive index of 2 with respect to 1। अभी तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी स्टेप में किसी को दिक्कत है अभी तक बताओगे? स्नेल स्लो लगा है 1 का 2 का रिस्पेक्ट में, तो 2 का 1 के रिस्पेक्ट के लिए क्या करेंगे पलट देंगे, यहां पे वही की। अब दोनों तरफ पलट लो, इधर भी रेसिप्रोकल इधर भी रेसिप्रोकल, तो हमारे पास क्या आएगा देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये इधर पलटे तो इधर भी पलट लो PO by BI। अब देखो ध्यान देना, यदि कोई एक ट्रायंगल है कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये सी पॉइंट आप बी के काफी क्लोज यदि आप एज्यूम करो ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एबी और एसी का वैल्यू क्या है लगभग इक्वल, एबी का और एसी का वैल्यू क्या है लगभग इक्वल है, यहाँ पे यही हम लोग एज्यूम करके चल रहे ठीक है, क्योंकि हमको जरूरत डेप्थ से है, इसके ऑब्लिक डिस्टेंस से हमको मतलब नहीं है, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये AO और ये जो नॉर्मल है काफी एक दूसरे के क्लोज है, AO is very close to normal, तो finally जो प्रूफ करना था वो लिख दो refractive index of denser medium equal to real depth by apparent depth, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी है प्रूफ दिया हुआ है पूछा है, हो जाएगा कोई दिक्कत बताओगे कोई भी स्टेप में जो डाउट है, बोलो नो सर। चलो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब, इससे बोल रहे ना कि हल्का सा बोर्ड कट रहा है जिधर आप आपके अपोजिट साइड सर, इधर टॉप वाला हाँ टॉप नहीं टॉप भी और आपका वो साइड भी हाँ सर ठीक फिर कट रहा है सर हम दे रहे आई थिंक सही है ठीक हाँ सर ठीक है आ रहा है ना हाँ सर अब आ रहा है मिटा दे यस सर
देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोई एक प्रिंसिप। यदि हम कोई लाइट रे को पास करते हैं तो लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा ट्वाइस, दो बार, और यहाँ पे जो हेलो है रिफ्रैक्ट करने के बाद कितना एंगल के साथ डेविएट करेगा फाइनली, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है एक डेरिवेशन हम लोग फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इधर बनाते हैं, ठीक है। प्रिज्म किस तरह का शेप होता है देखोगे, एक इसको हम लोग ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। फ्रंट वाला पार्ट कैसा है, ट्रायंगल, फ्रंट ट्रायंगल है, बैक वाला भी पोर्शन ट्रायंगल है, साइड दोनों रेक्टेंगल और बेस भी रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरह से अज्यूम कर सकते हो, इधर भी है फ्रंट ट्रायंगल है और बैक पोर्शन भी ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। यहाँ पे जो हम लोग लाइट पास करते हैं, एक फेस जहां से लाइट हम इंटर कराते हैं और जिससे लाइट रे इमर्ज करता है, निकलता है, दोनों नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो देखोगे सपोज कोई एक लाइट रे यदि हम लोग इस तरह से पास किए, और लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे हम लोग जो प्रिज्म से लाइट रे को गुजार रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल कलर का, मान लो कोई रेड कलर का है या ग्रीन कलर का है, व्हाइट लाइट नहीं है। व्हाइट लाइट होगा तो वो सात कलर में डिवाइड होगा, जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल कलर। तो सपोज ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये नॉर्मल किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज द लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, इधर है नॉर्मल, देख लो ये 90 डिग्री लग भी रहा होगा, ये 90 है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा इधर, तो लाइट बेंड किया, ये है रिफ्रैक्टेड रे। फिर डेंसर से रेयरर में जा रहा है, फिर जब बाहर निकलेगा फिर से एक बार बेंडिंग होगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल, ठीक है। तो अब लाइट रे कैसे जाएगा, डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, जाना चाहिए था इसे नॉर्मल से दूर भागेगा, फिर ये इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, इसको हम लोग चलो रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं, ये है इमर्जेंट रे। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इमर्जेंट रे का डायरेक्शन ये है, कितना एंगल के साथ बेंड किया ये देखो, जाना चाहिए था ऐसे, फाइनली बेंड करके गया इस तरह से, जितना एंगल के साथ बेंड किया इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जितना एंगल के साथ बेंड किया इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और इसमें और भी कुछ एंगल का सिंबल दिया गया है और हम लोग कुछ प्रूफ करने वाले हैं, देखोगे एंगल ऑफ द प्रिज्म को बोलते हैं ए, इस एंगल, एंगल ऑफ द प्रिज्म है, इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंट रे है एंगल ऑफ इमर्जेंस,
फिर ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। एक को आर वन बोलते हैं और दूसरे को आर टू, ठीक है। चलो हम लोग जो प्रूफ में कुछ लेबलिंग कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं। सपोज ये पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी, इस पॉइंट का नाम है डी, इस पॉइंट का नाम है सपोज ई। हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं, हम लोग को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बताओगे, हाँ इसमें और एक चाहिए, ये एंगल वन है, ये एंगल टू है। अच्छा बताओगे क्या ये हो सकता है इक्वल, एंगल आई इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल आर वन, या एंगल सिंबल हटा दे रहे हैं, आई सिर्फ लिख रहे हैं, आर वन लिख रहे हैं, ये एंगल वन लिख, क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका वैल्यू और ये पूरे का वैल्यू इक्वल होगा, कोई दिक्कत? तो यहां से एक रिजल्ट आएगा, इसको थोड़ा हम ये इधर करके लिखते हैं, आई इक्वल टू एंगल वन प्लस आर वन। यहां से रिजल्ट आएगा एंगल वन के लिए आई माइनस आर वन। सिमिलरली एंगल ई का जो वैल्यू होगा, देख लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एंगल ई का वैल्यू और 2 और R2 दोनों का सम इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां पे लिख भी सकते हो। E इक्वल टू एंगल 2 प्लस R2 इंप्लाइज दैट एंगल 2 इक्वल टू E माइनस R2। ये हमारे जरूरत का है, बाद में जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल वन एंगल टू का कोई मतलब नहीं, कोई नाम नहीं है, इसलिए जहां पे एंगल वन दिखे टू दिखे, एंगल वन के बदले ये लिखेंगे, एंगल टू के बदले ये लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमको चाहिए ये एंगल, देख लो ये एंगल चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इन ट्रायंगल, एंगल बी ई डी का ये एक्सटीरियर एंगल, बी ई डी का एक्सटीरियर एंगल है, आप समझ सकते हो, यहां पे देखो बी ई डी एक्सटीरियर एंगल है लैम्डा, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एक मिनट, हाँ वही BED। तो यहाँ पे लैम्डा जो होगा किसके इक्वल होगा, एंगल वन और एंगल टू के इक्वल होगा, तो हम लोग बोलेंगे लैम्डा इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, हेंस एंगल वन का वैल्यू वहां से लिखते हैं, देख लो पुट करो, इसको यदि हम सजा के थोड़ा लिखें तो क्या होगा, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, ये एक डेरिवेशन तो है ही, लेकिन प्रूफ ऐसा देता है एंगल ऑफ डेरिवेशन इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आपको अब ये भी प्रूफ करना है आर वन प्लस आर टू दोनों मिलके कितना होगा, एंगल ऑफ द प्रिज्म के इक्वल होगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए प्लस
एंगल बी 90 डिग्री है, या लिख लेते हैं एक बार, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। एंगल ए को ए से सिंबल दे देते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है एंगल ऑफ द पेज। एंगल बी 90 है, कोई दिक्कत इसमें? देखो तो ये जब 90 है तो ये एंगल भी 90 है, देखो लीनियर पेयर से। इसी तरह से एंगल डी भी कितना है 90, ये 90 ये भी 90। एंगल सी को रहने देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट एक क्या आता है, देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 90 180 हुआ, जबकि माइनस हुआ 180। ठीक है, एंड और एक रिलेशन है इन ट्रायंगल बी सी डी, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। दोनों को कंपेयर करो तो इक्वेशन टू और थ्री से, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल C, कैंसिल। एंगल A में A सिंबल नहीं देता, सिर्फ A दे रहे हैं, R1 प्लस R2, ये एक रिजल्ट, ये एक रिजल्ट आया आपके पास। और एक रिजल्ट देखो, हाँ जी, ए का जो वैल्यू है R1 प्लस R2, इसका वैल्यू देखो यहां पे पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या होगा डेविएशन इक्वल टू I प्लस E माइनस A। R1 प्लस R2 के बदले A लिख सकते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, माइनस A इधर आया, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। ठीक है, थैंक्स प्रूव। क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे इसका, देख लो कोई स्टेट में दिक्कत है क्या। हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, सबसे पहले एंगल आई इस दोनों के सम के इक्वल है, एंगल वन निकाल ली। एंगल ई इस दोनों के सम के इक्वल है, एंगल टू निकाल दी। फिर बोले डेविएशन चाहिए, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है विच इज एंगल वन प्लस एंगल टू, वन और टू का वैल्यू वहां से ले लिए। ठीक है, एक मिनट, यह पॉजिटिव है, हाँ ठीक है ठीक, आई माइनस आर वन ई माइनस आर टू, पॉजिटिव वाले को एक साथ लिखे, माइनस वाले को एक साथ, इक्वेशन वन करके छोड़ दिए। फिर ए बी सी डी में क्वाड्रिलेटरल में बी 90 है डी 90 है, ए प्लस सी 180, 90 90 पुट किए, ए और सी 180। सिमिलरली इस ट्रायंगल में आर वन आर टू प्लस सी 180, दोनों को इक्वेट किया, सी सी कटा, ए का वैल्यू आया आर वन प्लस आर टू, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू पुट कर दिए A, hence two। ये दो रिलेशन आपको जरूरत होता है प्रूफ करने के लिए, बहुत कम चांस है देता है आपके बुक में, हालांकि है प्रूफ। ठीक है, प्रूफ उतना नहीं पूछता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है इस रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन तो जरूर याद रखो और प्रूफ भी ध्यान में रखो, एक मैथ का क्वेश्चन है और क्या है ना। कोई स्टेप में दिक्कत है तो बताओ, एनी डाउट? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो, इसमें और भी कुछ चीज बताना है हमको। हो गया? यस सर। यस सर। देखो
एंगल ऑफ डेविएशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ध्यान देना। यहाँ पे दो फैक्टर दिखा आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ द प्रिज। एंगल ऑफ इमर्जेंस नहीं होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस तो बाद में बन रहा है। तो दो फैक्टर तो फॉर्मूला में दिख रहा है, ऐसे चार फैक्टर होता है, ठीक है, कि लाइट रे को ऐसे भेजे हैं, इतना एंगल के साथ बेंड करेगा, यही कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। एक बार कहीं पे लिख लो जो कि डेल, या चलो नेक्स्ट क्लास में लिख देंगे, ये आप ध्यान में रखोगे। डेल का मतलब क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। ऑन विच फैक्टर्स एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड, देयर आर फोर फैक्टर्स। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड एंगल ऑफ द प्रिज, दो फैक्टर तो यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ये तीनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये तीनों पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ध्यान देना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में नोट्स दे देंगे। एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ द प्रिज, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज। और चौथा फैक्टर है वेवलेंथ ऑफ लाइट रे, और ये इनवर्स प्रोपोर्शन, लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा, डेविएशन कम होगा, ठीक है। फोर्थ फैक्टर है इनवर्स प्रोपोर्शन है वेवलेंथ ऑफ लाइट रे, चार फैक्टर है। बुक में भी आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में बोलोगे लिखाएंगे, नहीं तो छोड़ भी देंगे, आप लोग लिख लेना। कुछ समझ गए ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? यस सर। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में। हाँ देखोगे हम देखे आप लोग का बुक का एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज टू में यही आपका दिया हुआ है, और एक्सरसाइज थ्री में सिर्फ प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। तो एक्सरसाइज वन टू थ्री हो चुका है, यदि कुछ छोटे छोटे टॉपिक छूटा भी होगा एक आध तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज वन टू और थ्री का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, न्यूमेरिकल्स जो भी है वो भी करोगे, ठीक है, कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स जो होगा पूछ लोगे, ठीक है, ओके बाय।